मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बारे में अपमानजनक बयान देने के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में महाड के न्यायिक दंडाधिकारी ने उनकी सशर्त जमानत मंजूर की थी। इसके मुताबिक राणे को 30 अगस्त को अलीबाग पुलिस के सामने हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया था, इसलिए नारायण राणे आज अलीबाग पुलिस थाने में NCB के सामने हाजिरी लगाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए अलीबाग में पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने अपनी पार्टी BJP की जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर टिप्पणी करते हुए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। राणे के विवादास्पद बयान के बाद राज्य भर में बवाल हो गया। महाराष्ट्र के कई जिलों में शिव सैनिकों ने राणे के खिलाफ केस दर्ज किया। इसी आधार पर राणे को रत्नगिरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चूंकि राणे ने इस बयान महाड में दिया था, इसलिए महाड पुलिस ने राणे को लाकर महाड कोर्ट में पेश किया था। महाड के जुडिशियल मजिस्ट्रेट बाबा साहब शेख के कोर्ट के सामने हुई सुनवाई में राणे की जमानत मंजूर कर ली गई, लेकिन जमानत की मंजूरी के साथ कुछ शर्तें भी जुड़ी हुई थी। कोर्ट ने राणे को महीने में 2 बार पुलिस स्टेशन में हाजिर होने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने यह भी शर्त रखी कि वे आगे इस तरह के बयान नहीं देंगे। शर्तों में उन्हें 30 अगस्त को अलीबाग पुलिस के सामने हाजिर होने को कहा गया है।